बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। यूँ तो हम क्रिकेट पर सबसे ज़्यादा प्रोग्राम करते चले आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में और भी कई खेल हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो गरीबों का खेल कहलाता है फुटबॉल, उसके हवाले से बड़े तहफ़ुज़ात हैं, क्योंकि जब से फ़ुटबॉल के ऑर्गेनाइजर्स को नज़र आया है कि डॉलर्स मिलते हैं फीफा की जानिब से, एशियन फ़ुटबॉल कन्फेडरेशन की जानिब से, तो उनकी नज़रें फ़ुटबॉल की तरक्की के बजाय अपनी तरक्की पर मरकूज़ होकर रह गई, और डॉलर्स की ये लड़ाई खिलाड़ियों को जो है बिल्कुल उससे कॉर्नर कर दिया है। और खिलाड़ी जो है, चूंकि कोई पाकिस्तान के पर नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो नामजद की गई है, जिसमें पहले हमजा खान थे, अब हारून मलिक है, कोई पूछने वाला नहीं। इलेक्शन नहीं कराए जा रहे, कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा, और पाकिस्तान में फुटबॉल का खेल, जिसे पहले ही गरीबों का खेल कहा जाता था, अब कसमपुरसी की हालत में मुब्तला है। आज हम फुटबॉल के हवाले से बात करेंगे, और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियोज में दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी सारी उम्र जो है फुटबॉल पर लगाई है। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर इस्माइल। नासिर इस्माइल जो है वो पाकिस्तान की जूनियर फुटबॉल टीम के हेड कोच रहे, पाकिस्तान की सीनियर फुटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच रहे, नेशनल बैंक की फुटबॉल टीम से वाबस्ता रहे, अब अपना एक टूर्नामेंट भी कराते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर फुटबॉल की तरक्की के लिए इनकी अपनी एक अकेडमी भी है, फुटबॉल की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। नासिर इस्माइल, इनसे हम बात करेंगे फुटबॉल की जुबूहाली के हवाले से। उनके साथ मौजूद हैं अब्दुल अजीज, पाकिस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉल। जब सैफ गेम्स हुए थे, लोग नहीं भूल सकते कि अब्दुल अजीज ने भारत के खिलाफ गोल स्कोर किया था, और उस गोल की बदौलत पाकिस्तानी टीम फतेहयाब हुई थी। ये 2004 की बात है। उस वक्त जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ मरहूम जो थे, वो पाकिस्तान के सदर थे, और उन्होंने अब्दुल अजीज को 50,000 रुपए का इनाम उस वक्त दिया था इनकी इस उम्दा कारकर्दगी पर। अब्दुल अजीज का ताल्लुक लियारी से, लियारी पाकिस्तान में फुटबॉल का गढ़ तसव्वुर किया जाता है, लेकिन अब फुटबॉल क्यों जबूहाली का शिकार है, इस पर हम अब्दुल अजीज से भी बात करेंगे और नासिर इस्माइल से भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, फुटबॉल के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिदा किया, और गुफ्तगू का आगाज करते हैं हम नासिर इस्माइल से। नासिर, कहाँ है पाकिस्तान की फ़ुटबॉल? आप अपने तौर पर, इंफरादी तौर पर तो कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो नेशनल लेवल पर फुटबॉल के इवेंट्स हैं, जिस तरीके से खिलाड़ियों को सहूलतें दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही, बुनियादी वजह क्या समझते हैं आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपने फ़ुटबॉल के ऊपर डिस्कशन की, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक हमारा ये मसला रिजॉल्व नहीं होता, आप फुटबॉल और करूँगा इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें, ताकि आपका प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे काफ़ी लोगों को अवेयरनेस मिलती है। देखिए, फुटबॉल का मामला हमारे 2015 के बाद से ख़राब हुए, 8 साल हो गए जी। 2015 के इलेक्शन में जहाँ पे फैसल सालेह साहब ने पंजाब के इलेक्शन में एक वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर लोग कोर्ट में गए, वहाँ पे पेंडिंग्स में गए, फिर उसके बाद वो रुक गया, फिर फीफा ने सस्पेंशन ली, तो ये 2015 से चलता आ रहा है मामला। उस वक्त तक हमारे फुटबॉल के मामला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहे थे, अचीवमेंट उस वक्त भी सदर थे पाकिस्तान फुटबॉल के। और मैं बड़े मजे की बात बताऊँ कि उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के जो बाकी तमाम सूबों के इलेक्शन से फैसल सालेह जीत चुके थे, सिर्फ एक सूबा था पंजाब का कि जहाँ से वो हार रहे थे, अरशद लोधी आ गए थे जी, वहाँ से उनका पैनल आ गया था, तो उन्होंने एक थोड़ा सा ईगो फील किया कि यार मैं यहाँ से नहीं हारूंगा, मैं बिल्कुल, हालांकि वो हार भी जाते तो उनके राइट वोट्स कंप्लीट थे। बाद में आप 2-3 महीने के बाद उनके साथ अच्छा बर्ताव रखते तो आपके साथ उनको लेके, तो ये मामला वहीं से शुरू हुआ, वहीं से उन्होंने एक अपना रिजिड स्टाइल रखा, जिसकी वजह से वहां से वो सारी चीजें टूटती चली गई, और आज 8 साल है कि हम सफर कर रहे हैं। फैसल सालेह आया तो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन में चले गए। देखिए, वहां पे एक सीट थी उनके पास ना, अब जैसे पाकिस्तान पे बैन लगा था, पाकिस्तान पे बैन लगने के बाद जब फैसल सालेह की फेडरेशन को खत्म किया फीफा ने, उसके बाद उनकी वो सीट नहीं गई, एफसी ने उनको रिटेन किया एज ए एफसी वाइस प्रेसिडेंट, उनको अपने पास रखा, उनके ताल्लुकात अच्छे थे ना, ताल्लुकात थे, लेकिन अब उनको वहां से भी हटा दिया गया कि वहां पे भूटान की जगह का जो थे एक नॉमिनी रिप्रेजेंटेटिव जी, वो उनके वहां पे आ गए एज वाइस प्रेसिडेंट, तो अब फैसल सालेह अब कहीं पे भी नहीं है इस वक्त मौजूदा हालत में। लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हुई बाद में, फीफा ने एक नॉमिनेशन कमेटी बनाई हमजा खान के दौर में, उन्होंने 19 महीने का टाइम लिया, 19 महीने में उन्होंने कुछ नहीं किया, कमेटीज वगैरह बनाई, स्क्रूटनी वगैरह की उन्होंने, उसके ऊपर दूसरों ने जिसका नुमाइंदा नहीं था उन्होंने इतराज उठा दिया कि हमारा नुमाइंदा क्यों नहीं है, उसके ऊपर चलते 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 मामला खराब होकर फिर वो कमेटी खत्म की, फिर हारून कनाडा से तशरीफ ले आए जी। अच्छा, मैं आपको मेन वजह बताता हूं, देखें इसकी दरअसल बात यह ना कि मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स ये है
कि हमारे पाकिस्तान की आपको फाइनेंशियल कंडीशन हर आदमी की पता है कि कौन कितनी जॉब करता है या कितना बिजनेस करता है, उसकी अर्निंग क्या है। मैक्सिमम अगर आप कोई जॉब करते हैं, अगर आप बहुत ही एग्जीक्यूटिव सीट के ऊपर है तो आपको 3 से 3.5 लाख रुपए मिलता है। अगर आप उससे लोअर रैंक के ऊपर है तो 1.5 लाख से 1.5 लाख रुपए आपकी मिलती है। उसके बाद अगर आप कारोबार में आ जाए तो आदमी कारोबार के हिसाब से अपनी अर्निंग 2-2.5 लाख रुपए मंथली जो है नॉर्मल कारोबार। वजह क्या है? वजह यह है कि फीफा का एक स्टैंडर्ड सेट है। वो स्टैंडर्ड है कि भाई चाहे वो भूटान का मुल्क हो चाहे वो जर्मनी का मुल्क हो, जहाँ वो मिलेंगे पहले नॉर्मलाइजेशन कमेटी को उसने उतने ही देने, उतने ही फैसिलिटेट करने। $7,000-8,000 उस वक्त, उस वक्त जब शुरू में ये इनिशियल बॉडी लगी थी तो उस वक्त 8 लाख रुपए थे मेंबर्स के और 10 लाख रुपए थे चेयरमैन के। अब डॉलर्स में, अब डॉलर्स में थे, मतलब डॉलर में अगर आप कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज में तो इतने बनते हैं। अब इनके बढ़ के और जो मेंबर्स है उनके 10-10 लाख हो गए। अरुण मलिक साहब के अप्रोक्सीमेटली 14-15 लाख रुपए। तो जिस आदमी की ब्रेड एंड 2-2.5 लाख रुपए से डायरेक्ट 10 लाख के ऊपर तो स्विच कर जाए, कैसे सोचेगा इलेक्शन हो? क्यों कराएगा? सही, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर कराना चाहे, मैं तो आज आपके प्रोग्राम में बिल्कुल कहता हूँ कि मैं विदाउट फीफा को मैं ये पैगाम देता हूँ कि जी आप मुझे नॉमिनेट करें, मैं विद इन द 8 मंथ्स में मैं इलेक्शन करा के दूंगा और ऐसे इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन के पाकिस्तानी सुकून में रहेंगे। आप भी 14 लाख लेंगे फिर? मैंने क्या कहा, वॉलंटियरली कह रहा हूँ मैं कि मुझे कुछ ना दें। मैं तो कह रहा हूँ कुछ ना दें इस पाकिस्तान की खातिर। मैं फुटबॉल आपका पैशन है, बिल्कुल अजीज, आप फुटबॉलर्स को कितना नुकसान पहुंचा है? अभी नेशनल बैंक का एक खिलाड़ी था, नौकरियां खत्म हो गई हैं, फुटबॉलर बेरोजगार हो गए, वो लड़का बेचारा उसके गुर्दे फेल हो गए। पाकिस्तान की वो अंडर-19 टीम की भी कप्तानी कर चुका था, नेशनल भी खेल चुका था, लड़कों को कितना नुकसान हो रहा है? बैक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका चैनल, और आप फुटबॉल से बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं और अभी तक कोई चैनल ने ये चीज़ें हाईलाइट नहीं की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको जब भी मौका मिलता है फुटबॉल पे लाजमी करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम इंटरनेशनल फुटबॉलर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इन 2015 से लेकर 2023 में। हम इतने खिलाड़ी जॉबलेस हो गए हैं। आपको एक बात बता सकते, जितने भी इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं और जिनकी एजुकेशन नहीं है वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं आजकल। अच्छा, तो बहुत, हम जो लियारी के लोग हैं, हम कराची के लोग हैं, शुरू से पाकिस्तान की तारीख देख लें, हमने स्पोर्ट्स से हम खिदमत, यस बिल्कुल, बॉक्सिंग हुई, फुटबॉल हुआ, सर हम खिदमत में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। हम अंडर 10 से लेकर 12-14 से लेकर लड़के देते हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम को, लेकिन उसके बेनिफिट में हमें मिलता क्या है? हमारा जॉब भी चला जाता है और हमारे लिए कोई बात नहीं करता। मुनीर आफ्ताब को देख लें, बेचारा लास्ट टाइम 18,000 की नौकरी में रोल रहा था कि मुझे 18,000 में रख लो, लेकिन किसी ने, नेशनल बैंक में जी, बिल्कुल नेशनल बैंक, लेकिन वहाँ का जो हेड है उसकी तो तनख्वाह लाखों रुपए में, सर किसी ने भी हाईलाइट नहीं किया उसके लिए, किसी ने भी बात नहीं। वसीम अकरम की तनख्वाह आपको पता है कितनी? वो स्पोर्ट्स कंसल्टेंट है, पीआईए से रिजाइन करके आए, करीमी साहब उन्हें लेकर आए, वो जो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट है हसनी साहब, उनके करीमी साहब जो है पीएस वगैरह है, तो वो वसीम अकरम को लेकर आए, 25-30 लाख रुपए पर मंथ ले रहे हैं। सर यही तो प्रॉब्लम है, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट मुनीर आफ्ताब को 18,000 की नौकरी नहीं मिलती है, जबकि बाकी लोगों के 18 लाख रुपए, 30 लाख रुपए उनकी सैलरी है। और हम चीज़ें जब हाईलाइट करते हैं तो हमें ऊपर से फ़ोन आते हैं कि आप इस चीज़ पे बात ही ना करें। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फुटबॉल खेल रहे हैं, जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सर हमारे ब्लड में फुटबॉल है, हम ये कभी बंद नहीं करेंगे। आप अगर लियारी में विजय, आप तो करते रहते हैं, आपको पता है, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट गोल किया, मेरा पहला इंटरव्यू भी आपने किया है, मुझे अच्छी तरह याद है। तो आप फुटबॉल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो लियारी में तो जब वर्ल्ड कप होता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि लियारी में ही वर्ल्ड कप हो रहा है। जब दुनिया में कतर में हुआ वर्ल्ड कप, ऐसा लग रहा था लियारी में हो रहा था। सर हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं फुटबॉल से, झंडे और जश्न मना रहे थे, लेकिन सर उसके बदले में आपसे छुपाने वाली बात नहीं है, हम बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं, लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, हमारा लॉस हो रहा है, हमारे पास जॉब नहीं है। अब जूनियर फुटबॉल जो अंडर 10 खेल चुके हैं, 12 खेल चुके हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जॉब कुछ भी नहीं है, उनके पास प्लेटफॉर्म ही नजर नहीं आ रहा कि फुटबॉल के इंतखाबात हो, कोई एक फेडरेशन आए ताकि सारी चीजें, सर बिल्कुल इलेक्शन होंगे, उनके पास एक रास्ता निकलेगा, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनके लिए कोई लीग होगा, अभी तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ना सर ये जो कह रहा है, देखे ना आप कितने वहां पर लियारी में लड़के, जो आप तो खुद फुटबॉल से वाबस्ता है, कि किस तरीके से वो उनका पैशन छोटी उम्र से 8-10 साल से फुटबॉल शुरू कर देते हैं खेल। जेनेटिकली है ना, बाय बर्थ है, फैमिली के अंदर जो पैदा होते हैं, उनका बाप, उनका भाई, उनका मामू, उनका चाचा, उनका भांजा, तमाम लोग फुटबॉल से रिलेटेड रहेंगे। और लियारी वो इलाका था एक वक्त में कि अगर एक घर में 5 भाई थे तो 5 भाई साहिब हैसियत थे। अगर एक MCB में, एक PIA में, एक हबीब बैंक में, एक स्टेट बैंक में, एक नेशनल बैंक में, तो मतलब बड़ी खुशहाल फैमिली थी। अब ये हाल हो गया कि एक आदमी आपको पता कमा के सारे घर को नहीं चला सकता, बाकी बच्चे का फोकस ही हट गया फुटबॉल से ऊपर। देखिए मैं आपको बताऊँ कि
ये नॉमिनेशन कमेटी इसमें दो चीजें इन्होंने की, एक इलेक्शन नहीं करा रहे, लेकिन दूसरी चीजों में जहां पे जो चीज मेरे अंदर एक खास आदत ये है, विमेन का टूर्नामेंट क्यों कराते हैं? आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, आपको बता रहा हूँ कि देखें दो चीजें होती है, कभी कोई अच्छा काम करे ना तो उसको हाईलाइट जरूर करना चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मनी क्यों, विमेन का जो कर रहे हैं नहीं, विमेन की मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊंगा, बहुत लंबी स्टोरी है, पहले शॉर्ट बताइए ब्रेक पे शॉर्ट पे जाएंगे। हाँ देखिए बात यह है कि अभी उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ नेशनल मेंस एंड विमेंस टीम है, ठीक है, सिर्फ ये ग्रास रूट लेवल पे कुछ नहीं है, 50 लोगों के ऊपर उनका फोकस है कि हम इनको फैसिलिटेट करें, और बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर प्लेयरों को वो ब्रेड एंड बटर। रैंकिंग पाकिस्तान की क्या है? देखिए हम लोग दरअसल बहुत इंटरनेशनल मैच नहीं खेल रहे, हम 194 नंबर पर है पाकिस्तान, जी हाँ 95 पे आ गए, 99 पे थे, अभी दो मैच खेलने के बाद फीफा रैंक में हम थोड़े से ऊपर आ गए खेलने की वजह से, तो अब जितना ज्यादा हम एक्सपोजर मिलेगा हमारे प्लेयरों को, जितने ज्यादा मैचेस मिलेंगे उतनी हमारी रैंकिंग अच्छी होगी। देखिए रैंकिंग से ज्यादा मैटर करता है आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, वो है ही नहीं, वो इसलिए नहीं है कि जब तक आप कोई भी मेन सोर्स क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर टेक्निकल जिस वक्त अपॉइंट होता है फिर वो जिम्मेदार होता है तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रास रूट से लेकर एलीट तक डेवलप करने का। इस पर हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ नासिर इस्माइल जो फुटबॉल कोच फुटबॉल ऑर्गेनाइजर वो मौजूद है, और उनके साथ लियारी से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर अब्दुल अजीज मौजूद है। अब्दुल अजीज की गुफ्तगू आपने सुनी कि खिलाड़ी कहाँ जाए जब रोजगार नहीं होगा, तो फिर वो अगर मनफी सरगर्मियों की तरफ तवज्जो देंगे तो उससे नुकसान किसका होगा, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फुटबॉल के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पेज, और स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं फुटबॉल के हवाले से। हमारे साथ दो मेहमान, नासिर इस्माइल पाकिस्तान के फुटबॉल कोच, मारूफ फुटबॉल कोच, और उनके साथ मारूफ फुटबॉलर अब्दुल अजीज जो इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं ये मौजूद हैं, इन दोनों से बात कर रहे थे। अब्दुल अजीज ये बताइए कि क्या अगर नॉर्मलाइजेशन कमेटी इलेक्शन नहीं करा रही तो फिर क्या होगा, फुटबॉल कहाँ जाएगी? फुटबॉल में तो कुछ हो ही नहीं रहा, ग्रास रूट लेवल पर कहीं हो रहा है काम? कुछ नजर आता बिल्कुल काम नहीं हो रहा, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई वुमेन टीम और मैन टीम को लेके 40 लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोग हैं उनके लिए क्या पॉलिसी है? बिल्कुल भी पॉलिसी नहीं है। तो पैसा मिल रहा है इनको एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन से या कहीं से भी? नॉर्मलाइजेशन कमेटी को पैसा तो मिल रहा होगा ना फीफा? सर पैसा मिल रहा है इसी वजह से तो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं हम लोग, पैसा अच्छा। मिल रहा है इसी वजह से इलेक्शन नहीं करवा रहे, अगर पैसा ना मिलता तो कब से इलेक्शन करवा दे रही है। सही सही। तो नासिर हारून मलिक साहब जो पाकिस्तान में रहते ही नहीं, कनाडा से आए हैं, जो अभी आप कह रहे थे कि यार मैं करा सकता हूँ 8-9 महीने में, तो वो कनाडा से आए हैं, तो ये क्या नॉमिनेशन कैसे होती है नॉर्मलाइजेशन कमेटी की? जिस बंदे की फीफा में लाइन है, फीफा में उसकी पसंद नापसंद है, तो वही अपॉइंट हो जाता है? देखिए हारून मलिक साहब में खसूसियत है कि उन्होंने आके पाकिस्तानी कम्युनिटी को पहचान लिया, उन्होंने हर आदमी को एवेल्यूएट कर लिया है कि मैंने इसको किस जगह पे रखना है, ठीक है जैसे हमारी ईसा से भी बात हो रही थी, तो आप थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि चीज़ों को उन्होंने एवेल्यूएट किया। शुरू में मैं पहला आदमी था, सबसे पहला आदमी हारून मलिक से मैंने मुलाकात की थी, वेरी फर्स्ट मैन, और उस वक्त मैंने ऑब्जर्व किया था कि ये बहुत जल्दी जाने वाले नहीं है। उन्होंने पेशकश नहीं की किसी काम की आप? नहीं देखे, मैंने उनको उस वक्त अपनी टेक्निकल साइड पे कहा था, लेकिन बात यह है कि जो आदमी सच बोलता है या जो आदमी काम जानता है ना, ऐसे आदमी को लोग बहुत कम पसंद करते हैं, वो मांगते हैं कि सॉफ्ट लोग के, जिनको कहेंगे प्लीज सेट डाउन, चमचागिरी करने वाले आप, वो हमें है नहीं। हम काम के, हमें काम, इसलिए हारून मलिक ने भांप लिया कि पाकिस्तानियों को कैसे हैंडल करना। बिल्कुल उन्होंने समझ लिया कि किस तरीके से हैंडल करना है, उन्होंने डिले टैक्टिक्स की, आईन को पकड़ लिया, कानून को पकड़ लिया कि इसमें ये चीजें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते, ये पिछले 44 सालों का बिगड़ा हुआ काम है, इसको हम सुधार के जाएंगे, हालांकि उनका काम सुधारना नहीं। 2015 से तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है ही नहीं ना? नहीं 2015 से पहले तो थी ना, इलेक्शन भी हो रहे थे, 4 साल का टेन्योर फैसल साले आदमी गुजारा, उस वक्त तो कोई डिमांड नहीं की एफसी फीफा ने, क्या क्लबों के अकाउंट खोलो, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का लेटर लाओ, फलानी चीज लाओ, हाँ स्क्रूटनी जेन्युइन होनी चाहिए, उनकी मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो स्क्रूटनी कब से हमजा अली खान भी करा रहा था, ये भी करा रहे हैं, धंधे लगे हुए हैं। पीएफ कनेक्ट प्रोग्राम है कंप्यूटराइज बना दिया, अब उसमें लोगों को एक्सेस ही नहीं मिल रहा, जिनको एक्सेस मिल जाता है उनका रजिस्टर्ड हो जाता है, जिनका नहीं होता वो बेचारे परेशान है कि हम इसको कैसे एंटर करें। आपको पता है गैजेट्स गाँव देहातों में बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने मोबाइल सर्विस भी चलाई वहाँ पे, उसमें भी करोड़ों रुपए जाया किए, मतलब डिले टैक्टिक्स है जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहे। बिल्कुल ये वजह, ठीक है, जिस तरह नासिर इस्माइल कह रहे हैं कि डिलेइंग
टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। और अब्दुल अजीज़ भी कह रहे हैं कि अगर फुटबॉल ग्रास रूट लेवल पर ख़त्म हो गई तो क्या होगा। इस वक्त हमारे साथ क्वेटा से मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ फुटबॉलर, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद ईसा के, जिनका एक चमन फुटबॉल क्लब जो प्राइवेट लोग चलाते थे बड़ा मशहूर था, और अब वो कहाँ गया। इनसे पूछते हैं कि फुटबॉल को किसकी नज़र लग गई। अस्सलाम वालेकुम ईसा। वालेकुम सलाम। मेरे साथ नासिर इस्माइल और अब्दुल अजीज बैठे हैं और हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि किसकी नज़र लग गई फुटबॉल को। बिल्कुल, जिस तरह नासिर भाई कह रहे हैं कि जो तकरीबन ये 7 साल से फुटबॉल को जितना नुकसान पहुंचा है और जिस तरह प्लेयरों की फाइनेंशियली जो है ना नुकसान हुआ है और टीमें बंद हुई है और प्लेयरों की रोजगार का मसला हुआ है, असल बात यह है कि अब हम कुछ चीज़ें जो है ना इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स है जिन्होंने ये लड़ाई शुरू की है अपने कुर्सी के लिए, अब बदकिस्मती से वो सारे अपने घरों में बैठ गए और फुटबॉल को लावारिस लाश की तरह जो है ना छोड़ दिया है। और बदकिस्मती से जो एनसी के नाम पे अब एक कब्जा बैठ गया है जो कि एक बहुत बड़ी सैलरी के साथ जो है ना चेयरमैन साहब और उनकी मेम्बर जो है ना डॉलर के सूरत में मिल रहा है, तो उसी वजह से इलेक्शन प्रोसेस जो है ना पूरा साल गुजर गया। अभी जो 1 साल इनको दोबारा मिला है इसमें एक दिन भी जो है ना इलेक्शन प्रोसेस इसने उसके ऊपर काम नहीं किया है। अभी एक प्रोटेस्ट हमने जब किया है तो अभी एक हफ्ते के अंदर इसने अपने एक्सटेंशन के लिए जो है ना बहुत ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया काम के लिए, जिस तरह स्कूटनी की बात कर रही है, जिस तरह अभी बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, और इसी तरह जो है ना स्टेक होल्डर्स को जो असल स्टेक होल्डर्स है, पहले जो है ना ये लोग जो है ना डमी स्टेक होल्डर्स को बुला के मीटिंग करा के और वहाँ फीफा को जो है ना सारा पिक्चर्स और जो मीटिंग की मिनट्स थे वो भेज देते थे कि सब लोग हमारे साथ है, तो ऐसा ड्रामे इन लोगों ने बहुत किया है। और अब असल स्टेक होल्डर्स को बुला रहा है और फिर से जो है ना एक एक्सटेंशन की सिर्फ एक तैयारी हो रहा है, ये इलेक्शन की तैयारी नहीं है। तो हमने अभी ये जो प्रोटेस्ट किया है पूरी प्रोटेस्ट कहाँ किया ऐसा आप लोगों ने? हम लोगों ने इधर क्वेटे में प्रोटेस्ट भी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, और हमने जितने भी हमारे पाकिस्तान की जो स्टेक होल्डर्स है लेजेंड प्लेयर है उनसे रिक्वेस्ट किया है जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये कब्जा बैठी हुई है, ये सिर्फ अब फुटबॉल हमारा लाहौर तक महदूद है, हमारे चारों प्रोविंस जो है ना इसी तरह पड़े हुए हैं, न किसी प्रोविंस में फुटबॉल का सिस्टम चल रहा है न किसी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। चैलेंज कप हुआ है बीच में खत्म हुआ है, नेशनल वुमेन चैंपियनशिप हुआ है बीच में खत्म हुआ है, तो मतलब इस तरह है कि हमारे डोमेस्टिक फुटबॉल को बिल्कुल खत्म किया हुआ है। मतलब जब आपकी मुल्क की डोमेस्टिक फुटबॉल नहीं चल रहा हो तो आप इंटरनेशनल क्या परफॉर्म करोगे? सही, तो सही। ये सिर्फ एक ड्रामा है कि ये इंटरनेशनल नेशनल टीम पे सिर्फ फोकस है और वुमेन और मेन की, तो ग्रास रूट लेवल पे कोई फोकस नहीं है इनका, न ग्रास रूट पे न। देखो दुनिया में जब तक आपकी डोमेस्टिक फुटबॉल शुरू ना हो, प्लेयर्स अपने अपने क्लबों से जो है ना खेल रहे हो तो वो फिर नेशनल टीम के लिए क्या खेलेगा जब उनकी मैच एक्सपोजर ना हो। सही कह रहे। तो ये सिर्फ एक ड्रामा है कि ये कर रहे हैं, और डिले टिकट से जिस तरह नासिर भाई ने कहा था, तो हम अभी भी दोस्तों से आपकी चैनल की तवज्जो से यही सवाल करते हैं कि प्लीज और ज्यादा फुटबॉल को नुकसान ना पहुंचाए और सब इकट्ठे मिलके जो है ना इस मसले को हल करें। हाँ, तो दूसरे शहरों में जिस तरह से लाहौर हुआ या पाकिस्तान के दीगर प्रोविंसेस में, वहाँ पर भी क्या फुटबॉल से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं क्या वो तैयार हैं कि प्रोटेस्ट करें नॉर्मलाइजेशन कमेटी के खिलाफ? ईसा, बदकिस्मती से हमारे अंदर भी इस तरह काले बड़े है जो कि हम जब भी कोई स्टेप उठाते हैं ना तो वो उसको मतलब नाकाम खराब करते हैं, और उसमें मतलब ये है कि कुछ लोग हमारे साथ भी होते हैं और वहाँ पे एनसी के साथ भी होते हैं, तो इससे एनसी ने जो है ना सबको तकसीम किया हुआ है और सब लोगों को जो है ना इस तरह ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, हर एक को आसरा दे रहा है। अभी हाल ही में जो है ना इंटरनेशनल प्लेयरों को ये आसरा दिया है कि आप स्कूटनी के लिए मतलब फेडरेशन के साथ रास्ता करे, तो इस तरह मतलब लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहा है, और अब यहाँ पे बैठ गया है और इलेक्शन का नाम निशान नहीं है। जब तक पाकिस्तान में फेयर एंट्री इलेक्शन नहीं होगा पाकिस्तान फुटबॉल का मसला हल नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ईसा, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के मारूफ फुटबॉलर हमारे साथ मौजूद थे। नासिर इस्माइल और अब्दुल अजीज दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इन दोनों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। की अनवीलिंग कर रहे थे उसमें कपड़ा डाल के लाए ट्रॉफी, तो जब इस तरह के ब्लंडर्स करेंगे तो फिर कहां से फुटबॉल ट्रॉफी? इसकी रोनमाई हमेशा ग्राउंड के अंदर वही तो ग्राउंड में रखी जाती है, दोनों कैप्टन होते हैं, तमाम कैप्टन होते हैं,
जो अमूमन मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी करता हूँ तो तमाम कैप्टन को बुला के प्रॉपर किट में हम तो ऐसा तो नहीं हुआ था ऐसा नहीं है, नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है ना। बात यह है कि जी प्रोफेशनलिज्म वहाँ होगा कि जहाँ पे आपका हेड अच्छा होगा, ठीक है ना, फर्स्ट आपका प्रेसिडेंट, उसके बाद उसकी नीचे वाले, और साथ में टेक्निकल स्टाफ के लिए हेड ऑफ टेक्निकल, सही, वो नहीं होगा तो काम नहीं, जब तक नहीं होगा उसके नीचे का स्टाफ काम नहीं कर सकता। अगर जो डायरेक्टर टेक्निकल होता वो इनको कॉम्प्रिहेंसिव कैलेंडर देता कि जी मैंने कब प्रीमियर लीग करानी है, कब चैलेंज कप कराना है, कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। क्या कहोगे तुम, देखो ये जिस तरह नासिर ने कहा कि सारी जिम्मेदारी तो डायरेक्टर टेक्निकल की होती है ना, जिस तरह क्रिकेट में डायरेक्टर डोमेस्टिक होता है, वो सारा प्लान चौक आउट करता है, सारा देता है, तो आप नहीं समझते कि अगर इस तरह का कोई प्लान ही नहीं होगा और 40-50 लोग हैं उनमें आप भी शामिल नहीं है, आपने तो बता रहे हैं कि मैंने 2005 में दी थी, 15 में दी थी सर, 2015 में डॉक्यूमेंट सबमिट किया, अभी तक मुझे जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया, तो आप समझते हो फिर ये बेचैनी है फुटबॉलर में। अगर मैं आपसे एक एज अ फुटबॉलर पूछूं जो फुटबॉल खेलते हैं, ना सिर्फ तो कोचिंग की तरफ है, लेकिन बेचैनी कितनी है सर? बेचैनी बहुत है ना, मैंने अपनी सीवी सबमिट की, अभी तक मुझे जवाब ही नहीं आया, इसका मतलब है कि डे बाई डे हमें इग्नोर किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है सर कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को दोबारा लाया जाए, डिपार्टमेंट सिस्टम, ये 40 लोग जो बिजी है, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, आप उनको टूर करवा रहे हैं, लेकिन बाकी भी फुटबॉलर वेट कर रहे हैं, अपने मौके की तलाश में हैं। पहले हमारे पास ऐसा था कि कोई लोग केपीटी में बिजी है, नेशनल बैंक में बिजी है, सब इदारे भी खत्म सर, सब बंद हो गए हैं, इतने सारे फुटबॉलर, नौकरियां भी खत्म हो गई ना, बिल्कुल नौकरियां भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या करेगा फुटबॉलर, अपना घर कैसे चलाएगा? जो आप सर मैं कह रहा हूँ बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात है। बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन बताऊँ आपको, जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अनाउंस कर देगी और उसके दूसरे दिन फुटबॉल की टीमें भी बन जाएंगी, हमारी जो टीमें रुकी हुई हैं ये बिल्कुल, मैं आपको इंटरनल इसलिए रुकी है, इनका क्रिकेट नहीं बन रही, क्रिकेट नहीं बन रही, क्योंकि डिपार्टमेंट में जब क्रिकेट बनेगी तो फुटबॉल भी बनेगी, हॉकी भी बनेगी, बैडमिंटन भी बनेगी, सिर्फ और सिर्फ तमाम डिपार्टमेंट रुके हुए बिकॉज ऑफ क्रिकेट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। जिस दिन ये फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास सेकंड टीमें बन गई, उसी दिन हम जाएंगे कि जी इनकी टीमें बना दी, हमारी भी, फिर हमारा ही, हम इनको कहेंगे भाई आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अनाउंस करो प्रीमियर लीग, ताकि हम उसमें पार्टिसिपेट करें। गुज़िश्ता दिनों जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्रोग्राम हुआ था तो अरशद नदीम जो पाकिस्तान का एथलीट है, उसने वजीर आजम पाकिस्तान से कहा था कि इदारों की टीमें जो हैं वो दोबारा बहाल की जाएं, और वजीर आजम ने कहा इदारों की टीमें बहाल हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ महज ऐलान साबित हुआ। तो जब तक बहाल नहीं होगी, नासिर इस्माइल ने अच्छा पॉइंट रेज किया कि जब तक खिलाड़ियों को रोज़गार नहीं मिलेगा, इदारे जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते रहे, अगर उनको उनकी टीमें नहीं बनेंगी तो क्या होगा? इस पर हम मज़ीद बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं फुटबॉल के खेल के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की जूनियर फुटबॉल टीम के साबिक हेड कोच और पाकिस्तान की सीनियर फुटबॉल टीम के साबिक असिस्टेंट कोच नासिर इस्माइल, और उनके साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल फुटबॉलर अब्दुल अजीज़, जिनका ताल्लुक नेशनल बैंक से रहा है। और अब जिस तरीके की गुफ्तगू हम ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि इदारे जो है अगर टीमें बनाएंगे तो फिर यकीनन फुटबॉलर्स को वो होगा, लेकिन हम थोड़ी सी बात करते हैं वीमेन फुटबॉल, वीमेन का नासिर बता रहे थे क्या होगा? देखिए AFC कोच क्राइटेरिया के मुताबिक नेशनल विमेंस सीनियर टीम और नेशनल विमेंस टीम दोनों का जो हेड कोच होगा वो होगा प्रो लाइसेंस, ठीक है। विमेन टीम ने परफॉर्म तो किया, उस लड़की ने गोल गोल किया, परफॉर्मेंस आप जो बात गोल की कर रहे हैं, जिस मुल्क में जाके ये खेल रहे हैं सऊदी अरब ने, उसने 2 साल पहले फुटबॉल शुरू की सर। अच्छा, आप ग्राउंड रियलिटीज कोई बताता नहीं, और उसको बड़ा इन्होंने हाईलाइट किया, उसको कैश किया, हाईलाइट नहीं किया, कैश किया। अगर ये टीम 14 साल से फुटबॉल खेल रही है, अगर इस टीम के साथ एज पर क्राइटेरिया प्रो लाइसेंस कोच होता ना, जितनी फैसिलिटीज इनको दी जा रही है, जितना इनको पैसा दिया जा रहा है, जिनको इसको एक्सपोजर दिया जा रहा है, अगर एक एक्सपीरियंस सीनियर और एस प्रो लाइसेंस कोच या ए लाइसेंस कोच इस टीम के साथ होता तो हम वहाँ नंबर वन आते। तो अभी कौन था इनके साथ? अदिल रिस्की कैनेडियन, उन्होंने उनको अप्लाई किया हुआ है। अभी इनविटेशन आया है AFC साफ कप अंडर 17 का, जूनियर्स का अंडर 17 गर्ल्स का, इन्होंने वहाँ पे टीम नहीं भेजी। क्यों नहीं भेजी? क्योंकि एज पर द AFC ए क्राइटेरिया कोच मस्ट बी ए लाइसेंस। अब वहाँ पे टीम इसलिए नहीं भेजी कि ये बी लाइसेंस है, ये जा नहीं सकता, तो उन्होंने डिफ्यूज कर दिया। मतलब ये पाकिस्तान के साथ मजाक है, ग्रास रूट का मेन सोर्स है। अगर वो खिलाते तो यहाँ से किसी कोच को मौका मिलता, वो परफॉर्म करता तो अदिल रिस्की साहब की छुट्टी होती, उन्होंने कहा जी मौका ही ना दो। तो क्या कहेंगे अब विमेन पे भी? मतलब वहाँ पर भी हारून मलिक, वो तो कनाडा से आए हैं, कैनेडियन नेशनल भी हैं, और वो कहते हैं कि जी अब मैं तो ईमानदारी से काम करूँगा, तो अगर वो आदिल को अपने रिश्तेदार को लाएंगे तो फिर क्या होगा अजीज़? सर मैं बींगे पाकिस्तानी, क्योंकि मेरी कंट्री में
मेरा जो प्लैक है ये किसी भी कंट्री में इसका जब सर ऊंचा होगा तो मुझे फ़ख्र होगा। इससे पहले जो विमेन हमारी टीम थी जब गई है बाकी जो कोचेज के साथ बिजी थे, इससे पहले सर, इससे पहले मैं हमेशा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखता हूँ कि इससे पहले क्या था और अब क्या है। ये चीज़ें तस्लीम करनी चाहिए ऐसे पाकिस्तान। पहले जब गई थी, इससे पहले जब हमारी टीम जाती थी 13 गोल 27 गोल आपको तो पता है सर आपके। और जब मैंने इस टूर में मैंने बहुत सारी चीज़ें रीड की है नासिर भाई ने बोला नेशनल सीनियर विमेंस टीम ने कभी 13 या 27 गोल नहीं सर आपको भी पता है मेरे हिसाब से पर्सनली मेरे हिसाब से मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि उस हिसाब से काफी बेहतर है, कुछ बेहतर हुआ, बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। क्योंकि मैं हम अगर किसी टीम के ऊपर 40 लाख रुपए लगा रहा है उसका बेनिफिट हमारे पास क्या आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरा पर्सनल ओपिनियन उससे बेहतर है, कुछ बेहतर है। मैं ये कह रहा हूँ अगर हम लाइसेंस को देखें सर, देखे मैं ये नहीं कहता बी लाइसेंस कोच है सर, मैं आपको कहता हूँ ए लाइसेंस बी लाइसेंस प्रो लाइसेंस, जो हम प्रो लाइसेंस को लगाएंगे कि वो हमारा एक सिस्टम ही बेहतर नहीं कर रहा तो आप उसको रेगुलरली कि आप प्रो लाइसेंस है आप ही कंटिन्यू करें कंट्री, ऐसा नहीं है। जबकि बाहर की कंट्री में आपको एक टाइम देते हैं आपके पास 6 मंथ है, हम आपको इतना पैसा देंगे, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इसके बाद आप टाइम वेट नहीं कर रहे, आप दूसरे कोचेस को मौका देंगे। जब आप देखें बात ये नहीं, परफॉर्मेंस अपनी जगह पे लेकिन क्राइटेरिया भी अपनी जगह पर रहेगा। अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब आती है तो वहाँ पे लिखा होता है एज लिमिट ये है और इसका जो है कोचिंग लिमिट कोई नहीं है, नहीं यहाँ पे लिमिट नहीं, क्राइटेरिया लिखा जाता है ना किसी भी जगह पे जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर। जब आप क्राइटेरिया को फुलफिल, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप किसी एक्सपीरियंस सीनियर कोच को इतनी फैसिलिटीज के साथ, जितनी फैसिलिटीज, जितना एक्सपोजर, जितना पैसा दिया जा रहा है, अगर अदील रिस्की से अच्छा रिजल्ट, अदील रिस्की ने पहली बार आजरा खान और मापरा को ड्रॉप किया जो लड़कियां ड्रॉप की वो नेशनल गेम्स के अंदर फाइनल खेल रही है, जो लड़कियां इन्होंने की वो उनकी टीमें बाहर हो गई। क्या कहोगे तुम सर आजरा खान और माफरा को ड्रॉप करने के बाद एक जूनियर को मौका मिला और वहाँ पर उसने सऊदी अरब में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। मैं नहीं कहता कि उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, दोबारा जब भी कैंप लगे ट्रायल हो तो दोबारा कप्तान रही ना जी, बिल्कुल मौका देना चाहिए। लेकिन एक पॉलिसी है मेरिट के हिसाब से, आप जब जाएंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी टीम आगे जाएगी। तो यहाँ पर तो अब कोच के ऊपर सारा छोड़ा हुआ, पर्सनल है सर, पर्सनल है, तुम समझ रहे हो कोच के ऊपर है टीम सर, ये बिल्कुल कोच रिस्पॉन्सिबल है सर। आप देखें कोच हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके पास अगर आप कोचिंग लाइसेंस लेंगे आपके पास कुछ आइडियाज होते हैं, आप वो अप्लाई करते हो। अगर वो पहला और रिस्पॉन्सिबल अदील रिस्की है, अब अगर वो चीजें बेहतर कर रहे हैं तो हम अप्रिशिएट भी करेंगे। जब वो उस कोचिंग क्राइटेरिया को मैच करेंगे, जब उस कोचिंग क्राइटेरिया को मैच ही नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे करेंगे। लेकिन परफॉर्मेंस अगर सही आ रही है, परफॉर्मेंस देखिए परफॉर्मेंस की बात बेहतरी आ रही है, सही से आ रही है, बेहतरी आ रही है। ये नहीं कि 13-13-25 गोल खाती थी, पहले भी रिजल्ट 3-4-5 गोल के होते थे लेकिन ये एक्सपोजर नहीं था। लड़की आती थी वहां के कमरों में ठहरती थी, हॉस्टल के कभी लाइट होती थी कभी नहीं होती थी, सहूलतें ऐसी सहूलतें, मैं बताऊं फाइनेंशियली इतना पैसा है कि आपकी सोच है कि दुबई के अंदर कैंप लग रहा है। अच्छा ये भी आप बड़े मजे की बात सोचे, जब आदमी किसी कंपटीशन में खेलने जाता है, अभी उज़्बेकिस्तान के कहां गए थे वहां पे, तो आदमी उस एक्लेमेटाइज होने के लिए उसी इन्वायरमेंट में जाता है। अब वहाँ पे टेम्परेचर है दुबई के अंदर 45-42 और जाके खेल रहे हैं उज़्बेकिस्तान में जाकर टेम्परेचर है 22-28 तो यहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म उनकी जाहिर हो जाती है कि उन्होंने कैंप किस तरीके से लगाया है, ठीक है। मतलब बहुत सारी लैकिंग है। मेरा देखिए अदील रिस्की से मेरा कोई पर्सनल क्लैश नहीं है, मेरा क्लैश उनकी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तवस्से सर एहसान अभी एक बहुत यंग टैलेंटेड गोलकीपर कोच है जो वो भी क्राइटेरिया को मैच नहीं करता, ये भी मैं कह दूँ। सर एहसान अदील रिस्की के साथ है, अब उसको नया मौका मिला है माशाल्लाह। वो कहाँ का है, लियारी का है? नहीं नहीं सर बल्दिया का है। नहीं हमारा पाकिस्तान काफी टैलेंटेड है। चले आइंदा भी एक प्रोग्राम करेंगे फुटबॉल के हवाले से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की नासिर इस्माइल और अब्दुल अजीज की, और आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान में फुटबॉल किस सम्त में जा रही है। कुछ लोगों को लाए हैं, कुछ थोड़ी अब्दुल अजीज कहते हैं बेहतरी आई है, नासिर इस्माइल कहते हैं कि अपने रिश्तेदार को ले आए हारून मलिक साहब। इस पर हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम में मजीद फुटबॉल पे हम बात करेंगे। हम आपका प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।